आज बेटा अपन कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, अध्याय 2, भारत में संसाधन। तो भारत के जो संसाधन हैं उसके अंतर्गत अपन कृषि फसलें, खनिज व शक्ति के साधन पढ़ेंगे। तो वर्तमान युग कैसा युग है बेटा अपना? कृषि। वर्तमान में कृषि शब्द व्यापक से अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। केवल खेती बाड़ी ही नहीं अपुता वन, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन जो कि विभिन्न रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। एक कृषि प्रधान भारत कैसा देश है? एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल अधिकार है। विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाएं भी इसमें मतलब भारत में हैं। संसार का कुल क्षेत्रफल 11% भाग कैसा है अपना? कृषि योग्य है। सौभाग्य से भारत में 91% क्षेत्र में कृषि की जाती है। भारत के क्षेत्रफल में जितना भाग संचित करना संभव है वहाँ चीन के कुल कृषि क्षेत्र में लगभग बराबर है। कृषि में प्रयुक्त भूमि 66% भाग खाद्यान्न फसलों और 34% भाग व्यापारिक फसलों के उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का हिस्सा कैसे कितना है, कितने परसेंट है बेटा? 56.1% है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, तो जो भारत की अर्थव्यवस्था में है उसमें कृषि का योगदान है। कृषि हमारा प्राथमिक व्यवसाय है। मतलब अपन जब भी मतलब आप देखोगे प्राचीन काल से ही कृषि को बहुत प्राथमिकता दी जाती है। तो कृषि हमारा प्राथमिक व्यवसाय है। फसलों में खेती पशुपालन दोनों सम्मिलित हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान व योगदान देखा जा सकता है। तो पहला है भारतीय कृषि का लगभग 17% जनसंख्या का पोषण कैसे हो रहा है बच्चों? कृषि से। कृषि हमारी 2/3 भाग पोषण करती है। भारतीय कृषि में देश लगभग 2/3 कृषि लगी है। रोजगार, इससे अपन को कृषि से क्या प्राप्त होता है बेटा? रोजगार प्राप्त होता है। कृषि से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने की संभावनाएं छुपी हुई हैं। देश में वस्त्रों की जरूरतों को चुने जाने वाले कच्चा माल कृषि से ही मिलता है, जैसे कपास, जूट, रेशम, ऊन, इन चीजों से भी वस्त्रों का निर्माण होता है। कृषि उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने से उद्योग का आधार कैसा है? कृषि उत्पादन का आधारित आय में कृषि का योगदान कितना है? 34%। और भारतीय कृषि देश की बढ़ती जनसंख्या का भरण पोषण भी कर रही है। किससे? कृषि से। कृषि पदार्थों से ही हमें भोजन में कार्बोहाइड्रेट, संतुलित आहार हेतु प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि भी प्राप्त होते हैं। जो खाद्य पदार्थों की प्राप्ति व पूर्ति के संबंध में महात्मा गांधी का कथन है कि जीवन कृषि पर निर्भर है, जहाँ कृषि लाभदायक नहीं होती वहां स्वयं जीवन भी लाभदायक नहीं हो सकता। तो सापेक्ष में भारतीय कृषि देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला है। इसकी सफलता और विफलता का प्रभाव देश की खाद्य समस्या, सरकार आय, अतिरिक्त व विदेशी व्यापार, यातायात के साधनों और राष्ट्रीय आय पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। अगर कृषि अच्छी नहीं होगी तो अपनी जो राष्ट्रीय आय होगी वो भी कैसी होगी? अच्छी नहीं होगी। उसका प्रभाव राष्ट्रीय आय पर पड़ेगा। इसलिए भारत में इसलिए कहा जाता है कि मानव जीवन में जो महत्व आत्मा का है वही अर्थव्यवस्था में कृषि का। तो कृषि का अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान। भारतीय कृषि की प्रमुख फसलें और वितरण। भारत में फसलों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो मौसम के पहला है बेटा मौसम के अनुसार और दूसरा है अध्ययन की दृष्टि से। तो मौसम के अनुसार कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो पहला है खरीफ की फसलें, दूसरा है रबी की और तीसरा है जायद फसलें। फिर अध्ययन के आधार पे ही बेटा ऐसे दो हैं, खाद्यान्न फसलें और नगद व व्यापारिक फसलें। तो खरीफ की फसलें जो कब होती हैं, इनकी ऋतु वर्षा ऋतु में होती हैं। ये फसलें खरीफ की जो फसल होती है वो वर्षा ऋतु में होती है। उनका जो वो होता है जून और जुलाई में बोई जाती हैं।
और दशहरे के बाद शरद ऋतु के अंत तक ये तैयार हो जाती हैं, खरीफ की फसलें कहलाती हैं। मानसून के आगमन पर बोई जाने वाली प्रमुख फसलें खरीफ, जैसे चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, गन्ना, कपास, पटसन और मूंगफली, ये सब फसलें कैसी कौन सी होती हैं बेटा? खरीफ की फसलें होती हैं। ये कौन से मौसम में मानसून के आगमन के बाद क्या की जाती हैं? बोई जाती। दूसरा है रबी की फसलें। जो फसलें शरद ऋतु के आने पर दशहरे के पश्चात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मतलब जो किसान हैं इनको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, और ये ग्रीष्म ऋतु आने पर अपन को क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं, मार्च और अप्रैल में तैयार हो जाती हैं। इसे रबी की फसलें कहते हैं, जिसमें गेहूं, चना, सरसों, तंबाकू आदि रबी की फसलें होती हैं। फिर जायद फसलें होती हैं सब्जियां, जो अपन दैनिक जीवन में डेली उपयोग करते हैं, विशेषतः ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाती हैं, की जाने वाली सब्जियां हरे चारे खेती जायद फसलें कहलाती हैं। जो अपन सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियां, ये जायद फसलें कहलाती हैं। चौथा है खाद्यान्न फसलें। हमारा आशा यह है कि उन फसलों में जो भोजन के लिए मुख्य रूप से कार्य करती है, मतलब अपन को भोजन उससे प्राप्त होता है, इनका अपन दैनिक जीवन में भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, वो कहलाती हैं खाद्यान्न फसलें। जैसे अनाज में सम्मिलित है, उसमें गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, अन्य प्रकार की सभी दालें आ जाती हैं। फिर है पांचवा नगर व व्यापारिक फसलें, नगद व व्यापारिक फसलें। ये उनसे आशय है, जो फसलों से हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती, किंतु उन्हें बेचकर अपन को नगद राशि प्राप्त होती है, तो उसे कहते हैं नगद व व्यापारिक फसलें। जैसे कपास, जूट, चाय, कॉफी, तिलहन, इन फसलों को बेचकर अपन निर्यात कर जो आय प्राप्त होती है उसे व्यापारिक फसलें कहते हैं। व्यापार के लिए अपने एक देश से दूसरे देश, जैसे भारत से अन्य देशों के लिए जो वितरित होती है, उनका विनिमय होता है, उसे कहते हैं, जिनसे वो आय प्राप्त होती है उसे कहते हैं व्यापारिक फसलें। जिन्हें बेचकर अपन को जो आय प्राप्त होती है ना, उसे कहते हैं व्यापारिक फसलें। फिर उन्नत भ्रमण द्वारा खेती के प्रकार व प्रणाली। आधुनिक कृषि प्रणाली से तात्पर्य है कृषि की उन पद्धतियों से जो उन्नत, संतुलित और जैविक उर्वरक खादों, सिंचाई, कीटनाशक और मशीनों आदि से अधिकतम उत्पादन, मुनाफा प्राप्त करने के लिए की सोच पर आधारित होते हैं। मतलब जो भी कोई भी अपन कृषि करते हैं उसके लिए अति आधुनिक, मतलब उन्नत बीज, संतुलित जैविक उर्वरक और अच्छे कीटनाशक और मशीनों द्वारा जो खेती कहते हैं मुनाफे के लिए प्राप्त, मतलब करने के लिए जो अपन को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, है लाभ प्राप्त होगा तो अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। तो आधुनिक कृषि मूलतः रासायनिक तरीकों से की जाती है। तो खेती के प्रकार, किसी भूभाग पर संपादित कृषि कार्य को पशुधन के अनुपात, फसलों के उत्पादन, खेती की परंपरा के आधार पर वर्गीकृत करना ही खेती के प्रकार कहलाते हैं। किसान उपलब्ध साधनों जैसे सिंचाई, उर्वरक, मशीन आदि के आधार पर खेती की फसलों को उत्पादन बढ़ाने हेतु मध्य प्रदेश में उन्नत किस्म की, मतलब जो कृषि कार्य है उनको लिए अच्छी अच्छी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती हैं। तो उन्नत किस्मों से अभिप्राय है अधिक उत्पादन देने वाली खेती। खेती के प्रकार कितने होते हैं बेटा? नीचे दिए हैं, विभाजित किए गए हैं। तो पहले है सामान्य खेती। सामान्य खेती जब किसी फर्म या संगठन में वस्तु के उत्पादन के लिए होता है, उत्पादन किसी न किसी रूप से आय का साधन होता है। तो जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ज़्यादा वितरण होगा, विनिमय होगा, उतना ज़्यादा अपन को क्या होगा? लाभ होगा, जो घरेलू सामान्य खेती कहते हैं। खेती सामान्य निशान जैसे घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है, वो है सामान्य खेती। फिर है विशिष्ट खेती। इसी प्रकार खेती में एक भी उद्यम या साधन में 50% से अधिक आय प्राप्त होती है, मतलब अपन किसी भी प्रकार से विशिष्ट रूप से खेती करेंगे तो अपन को 50% क्या होगी? उससे आय प्राप्त होगी। मान लो अपन ने 20% लगाया तो 50% तो अपन को आय प्राप्त होगी,
है ना, विशिष्ट खेती उसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि सोयाबीन 50% है और अधिक आय हो रही, जैसे फिर है शुष्क खेती। शुष्क मतलब जो शुष्क मौसम में की जाती, जिन क्षेत्रों में औसत कृषि वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वह क्षेत्र कैसे होते हैं, शुष्क होते हैं। उन क्षेत्रों में की जाने वाली खेती भी कैसी होती है, शुष्क। शुष्क खेती से फसलें उत्पादन भूमि में वर्षा पानी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, मतलब उनको पानी को इकट्ठा करना पड़ेगा उसकी सिंचाई के। फिर है मिश्रित खेती, मतलब मिश्रित से मतलब मिली जुली। मिश्रित खेती से फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित खेती में सिद्धांत पर, मतलब किस सिद्धांत पर आधारित है, पशु पालन से प्राप्त होने वाली आय 10% और 49% काय से प्राप्त होती है अपन को, खेती से। फसल उत्पादन प्राथमिक और पशुपालन पूरक कार्य किए जाते हैं। फसल और पशुपालन में परिपूरक संबंध होने के कारण फर्म को उत्पादन क्षमता में क्या होता है, आय बढ़ती है। मतलब अपन दो व्यवसाय एक साथ कर रहे हैं, एक खेती भी और दूसरा पशुपालन भी। फिर पांचवा है सिंचित खेती। सिंचित मतलब सींचना, कैसे सींचेंगे, अगर अपन को वर्षा नहीं होगी तो अपन को सिंचाई के लिए भी तो साधन चाहिए, क्योंकि खेती बिना सिंचाई के संभव नहीं है। भारत में सिंचित खेती मुख्यतः कुएं, नलकूप, नहरों द्वारा करते हैं। सिंचित खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों से की जाती, मतलब जो खेती जहाँ पर वर्षा ज़्यादा नहीं होती है वहाँ पर सिंचाई के द्वारा ही खेती की जाती है। फसल उत्पादन में भारी वृद्धि होती है। कृषि भूमि का उपयोग सिंचाई के माध्यम से वर्ष भर फसल उगाने के लिए किया जाता है, मतलब जहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है तो अपन सींच कर वहाँ पर हमेशा, मतलब वहाँ पे हर, मतलब हर वर्ष, हर पूरे वर्ष अपन उस पर खेती कर सकते हैं, तो उसे कहेंगे सिंचित खेती वाले खेत। सिंचित खेती में प्रमुखतः धान, गन्ना, गेहूं और कपास की फसल का उत्पादन कर सकते हैं। फिर है जैविक खेती। खेती वह विधि जिसके कृत्रिम रसायनों और कीटनाशकों स्थान पर जानवरों से जानी खाद्य तथा हरी खाद, पत्ते, सब्जियों से निर्मित खादों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तब उससे जैविक खेती की जाती है कृत्रिम रसायनों द्वारा। इसके उपयोग से भूमि की उर्वरकता क्षमता बढ़ती है, लागत कम हो जाती है, पर्यावरण और मनुष्य के स्वास्थ्य में इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चों, संसाधन में आपने संसाधन क्या होते हैं, फसलें और संसाधन के प्रकार पढ़े। इसे आप इसके हो मतलब प्रश्न आप बनाकर, कितने प्रकार होते हैं खेती, कितने प्रकार हैं, खेती कैसे की जाती, आप इनका, ये आपका होमवर्क है, कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे।